वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम और शौर्य का कारक माना जाता है। राशियों में मेष और वृश्चिक राशि के मंगल ग्रह स्वामी होते हैं और मकर राशि में उच्च के तथा कर्क राशि में नीच की अवस्था में होते हैं। वहीं नक्षत्रों में मृक्षिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह की शुभ स्थिति होती है तो जातक निडर और साहसी होगा और उसे युद्ध में विजय प्राप्त होगी। वहीं मंगल की अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती है। लग्न भाव पर मंगल के विराजमान होने से यह ग्रह व्यक्ति के चेहरे पर सुंदरता और तेज लेकर आता है। व्यक्ति उम्र के हिसाब से युवा दिखाई देता है और साहसी और पराक्रमी होता है। वह व्यक्ति किसी प्रकार के भी निर्णय निडरता पूर्वक लेता है। मंगल व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष कराने का सामर्थ्य रखता है। वहीं मंगल का प्रभाव खाली व्यक्ति के ऊपर ही नहीं पड़ता बल्कि उसके पारिवारिक जीवन में भी मंगल का प्रभाव दिखाई देता है। बलि मंगल के कारण व्यक्ति के भाई बहन अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करते हैं। वहीं अगर मंगल पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। पीड़ित मंगल के कारण ही जातक के जीवन में अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जातक को अपने शत्रुओं से पराजय झेलनी पड़ती है और व्यक्ति के अपने जमीन से संबंधित विवाद भी अशुभ मंगल की स्थिति लेकर आती है। व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। कुंडली में मंगल के पीड़ित होने से विष जनित रक्त संबंधी रोग, कुष्ठ रोग, खुजली, रक्तचाप, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर, फोड़े फुंसी आदि रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो मंगल ग्रह को सेना, पुलिस, प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स आदि का कारक माना जाता है। किसी भी जातक की कुंडली में मंगल की अशुभ स्थिति को शुभ बनाने के लिए मंगल के बीज मंत्रों के जाप के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत उत्तम परिणाम लेकर आता है। खगोलीय विज्ञान के अनुसार मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसी वजह से इसका रंग लाल है। यह पृथ्वी के समान ही स्थली धरातल वाला ग्रह है। मंगल ही कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं और व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। मंगल दोष ही व्यक्ति के विवाह में देरी अथवा अन्य प्रकार के रुकावटों को देने वाले होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में विराजमान मंगल व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण कर देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, अनेक प्रकार की रुकावटें खड़ी हो जाती है। अब यही मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में 26 फरवरी 2022 को दिन में 2:46 पर गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस समय अवधि में मंगल की स्थिति मजबूत रहने वाली है। इसकी वजह से हमारी 12 राशियों पर अच्छे बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव दिखाई देंगे। कुछ जातकों के लिए यह बहुत शुभ स्थिति लेकर आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से हम प्रथम की 6 राशियों के बारे में, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के लिए मंगल पहले और आठवें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में वह आपके कर्म के दशम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर काल आपके करियर के लिहाज से बहुत शुभ साबित होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने करियर में सफलता हासिल होगी। हालांकि आप उन उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। आपके द्वारा जो पूर्व में मेहनत और कार्य किया गया है उसका परिणाम आपको इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। कार्यस्थल पर आने वाली किसी तरह की भी चुनौती का आप डटकर सामना करेंगे और उसमें सफलता अर्जित करेंगे। हालांकि आपको कार्यस्थल पर सतर्क होने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपके विरोधी आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं।
आर्थिक रूप से भी यह समय आपके लिए शानदार साबित होने वाला है। हालांकि आपको इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से बचना होगा। निजी जीवन की अगर हम बात करें तो इस समय अवधि के दौरान आपका प्रेम जीवन सुखमय और आनंदमय व्यतीत होने वाला है। विवाहित जोड़े भी इस समय अवधि के दौरान अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए किसी टूर पर निकल सकते हैं। संतान प्राप्ति के दृष्टि से भी यह गोचर अवधि बहुत शुभ साबित होने वाली है। विद्यार्थी जातकों को भी मंगल का यह गोचर बहुत कुछ उपलब्धियां लेकर आने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपको कोई मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। जिन व्यक्तियों को बीपी की समस्या है उन लोगों को इस समय अवधि के दौरान अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए मंगल 12वें और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में भाग्य के 9वें भाव पर मंगल ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर आपकी आमदनी में वृद्धि लेकर आने वाला है और हो सकता है इस समय अवधि में आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जाएं। वह लंबी दूरी हो सकता है विदेश यात्रा हो। जो जातक व्यवसायी है उनके लिए यह लाभ कमाने का एक सुनहरा अवसर होगा। साथ ही साथ इस समय अवधि के दौरान समाज में आपकी स्थिति में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पर वातावरण थोड़ा आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। साथ ही साथ जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल सकता है, या उनका आंतरिक स्थान परिवर्तन हो या किसी अन्यत्र स्थान पर ट्रांसफर हो। इस प्रकार का मंगल योग बनाने जा रहा है। विवाहित जोड़ों को इस समय अवधि में अपने जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आप अपने जीवन साथी को समझने में असफल रह पाएंगे, इसलिए आपको इस समय अवधि में सावधान होने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय अवधि आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती, इसलिए आपको इस समय अवधि के दौरान अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि के कुछ जातकों को जीवन में इस समय अवधि में तनाव झेलना पड़ सकता है, ऐसे में आपको ध्यान और योग की आवश्यकता पड़ेगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए मंगल के बीज मंत्रों का नित्य जाप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए मंगल 6वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में अनिश्चितताओं के 8वें भाव पर मंगल गोचर करने वाले हैं। मंगल की यह गोचर अवधि आपके लिए आर्थिक रूप से स्थिर और सुरक्षित रहने वाली है। हालांकि इस समय अवधि में आपको किसी भी निवेश से बचना होगा, क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपने कोई पूर्व में निवेश किया है उसका फायदा आपको इस समय अवधि में प्राप्त हो सकता है। करियर के लिहाज से यह समय अवधि आपके लिए थोड़ी कठिन साबित हो सकती है, विशेष तौर पर नौकरी के लिहाज से, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में प्रगति में रुकावट देखने को मिल सकती है। मंगल के इस गोचर की अवधि में अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो आपको लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना होगा। किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद से मंगल के गोचर की अवधि में आप दूरी बनाकर रखें। निजी जीवन में भी आपको बेहद सावधान होने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपकी अपने किसी खास व्यक्ति से कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको अपने वाणी पर ध्यान देते हुए शब्दों का चयन सोच समझकर करने की आवश्यकता होगी। विवाहित जातकों को भी इस समय अवधि के दौरान अपने वैवाहिक जीवन को शांत और सद्भाव बनाने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय अवधि के दौरान आपको बुखार, थकान या शरीर में दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसको लेकर आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए मंगल के मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए मंगल 10वें और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में साझेदारी और दाम्पत्य के 7वें भाव में मंगल ग्रह गोचर करने वाले हैं। मंगल के इस गोचर की अवधि में आपको करियर में प्रगति की राह में कुछ समस्याएं उठानी पड़ सकती है। ऐसे में आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने साथ के लोगों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय अवधि में यह मुमकिन बन रहा है कि आपके अधीनस्थ या आपके वरिष्ठ आपसे संतुष्ट न हो। इसके अलावा व्यवसायी जातकों को भी इस समय अवधि के दौरान तनाव का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे में आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने या कोई नया व्यवसाय शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है। वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों में आपको सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आप दोनों के बीच किसी प्रकार की गलतफहमियां पैदा हो सकती है। इसकी वजह से आपके रिश्ते में कई चुनौतियां बढ़ सकती हैं। जो सिंगल जातक है वह विपरीत लिंगी लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल सकते हैं। इस समय अवधि में आपको अपने नैतिक गुणों को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय अवधि में आपको पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। साथ ही साथ आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए देवी दुर्गा की नित्य पूजा कीजिए। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए मंगल चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में रोग ऋण रिपु के छठे भाव पर मंगल गोचर करने जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान आप किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। अगर पूर्व से कोई कानूनी विवाद चल रहा था तो उसमें भी आपको प्रतिकूल फल मिलने की आशंका बन रही है। हालांकि छठे भाव पर मंगल का विराजमान होना आपके शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। इस समय अवधि के दौरान आपके विरोधी सर नहीं उठा पाएंगे। करियर के मोर्चे पर नौकरी में आपका प्रदर्शन धीरे धीरे बेहतर होगा और सफलता प्राप्त करने की दिशा में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। कार्य क्षेत्र पर आप अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने में सफलता अर्जित करेंगे। व्यापारी जातकों को अपने पेशेवर लक्ष्य ईमानदारी के साथ प्रयास करने से अवश्य प्राप्त किए जा सकते हैं और आपका व्यावसायिक सहयोगी आपकी सफलता का मुख्य कारण बनने वाला है। आर्थिक रूप से इस समय अवधि के दौरान आप सुख सुविधाओं और भौतिकवादी चीजों पर अपना धन व्यय करेंगे। अगर हम निजी जीवन की बात करें तो मंगल के इस गोचर की अवधि में आपके निजी जीवन में चीजें स्थिर रहने वाली हैं। आपके दोस्त और परिवार के लोग आपका भरपूर समर्थन करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से कोई बड़ी परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। हालांकि आप छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से परेशान हो सकते हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन बंदरों को केला खिलाएं। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए मंगल तीसरे और आठवें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में संतान शिक्षा और रोमांस के पंचम भाव पर मंगल ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल की अवधि में करियर मोर्चे पर आपको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ कार्यस्थल पर आपको वरिष्ठों और सहयोगियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने और ईमानदारी के साथ कार्य करने की आवश्यकता होगी। अगर आप पदोन्नति या वेतन वृद्धि के आस लगाए बैठे थे तो इस समय अवधि में कुछ देरी होने की संभावना है। यह गोचर अवधि व्यावसायिक जातकों के लिए औसतन साबित होने वाली है। लाभ के लिए व्यावसायिक जातकों को अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, उसी के बाद लाभ की प्राप्ति होगी। आर्थिक लिहाज से किसी लंबी अवधि में निवेश करने के लिए यह गोचर अवधि बहुत शुभ है। आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर लाभ अर्जित कर सकते हैं। अल्पकालिक लाभ के लिए कोई बड़ा जोखिम लेने से आपको बचना होगा। मंगल के इस गोचर की अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी और यह खर्च आपको बच्चों और परिवार के लोगों पर करना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आपके रिश्तेदार आपके पड़ोसी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। प्रेमी जातकों के लिए यह समय अवधि अनुकूल नहीं रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपके रिश्तों में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। विवाहित जातकों को अपने संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से आप परेशान रहें। अगर आपके अपने स्वास्थ्य की बात करें, इस समय अवधि में आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। तो यह था मंगल का गोचर, जिससे हमारी प्रथम की छह राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।